नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। उत्तर प्रदेश के औरैया में जनतेपुर के पास बस पलटी है। जानकारी के अनुसार करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जबकि एक महिला की मौत हो गई है। यात्री मथुरा में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास आठवले ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में हर पार्टी का नेता प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच ट्वीट कर कहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार 2 लाख मेट्रिक टन प्याज खरीद लेगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर पलट गया है। इस कंटेनर के पलटने से 5 कार उसकी चपेट में आकर भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री विजय कुमार गावित ने ऐश्वर्या राय को लेकर ऐसा बयान दिया है जो चारों ओर चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर आप रोजाना मछली खाएंगे तो ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर आंखें हो सकती है। महाराष्ट्र में बैज के बढ़ते दामों को लेकर पूर्व कृषि मंत्री दादा भुसे का विवादित बयान सामने आया है। नासिक में दादा ने कहा, मुझे लगता है कि अगर प्याज के दाम 20 से 25 रुपए महंगे हुए, अगर 2-4 महीने प्याज नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। समृद्धि हाईवे पर तस्वीरें या वीडियो लेने वालों को हाईवे पुलिस ने गंभीर चेतावनी जारी की है। हाईवे ट्रैफिक पुलिस की ओर से 500 रुपए जुर्माने के साथ 1 महीने के जेल की चेतावनी जारी की गई है। हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी का 40 साल की उम्र में हरियाणा के पास एक अस्पताल में निधन हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजू पंजाबी पिछले कुछ समय से हरियाणा के हिसार के एक अस्पताल में भर्ती थे और उनका पीलिया का इलाज चल रहा था। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर दुनिया भर में शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने शानदार कमाई करते हुए 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और इसी के साथ जेलर ने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।